महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। शिवसेना 126 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर दावेदारी कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सीएम आवास वर्षा में पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक आज हुई है। बैठक का एजेंडा विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा करना था। इस बात पर भी चर्चा हुई है कि शिवसेना को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए। बैठक में पार्टी ने 126 विधानसभा की सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव के लिए सेंचुरी प्लान दिखाया और नेताओं को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को महायुति के तौर पर जनता के बीच जाना चाहिए। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 288 विधानसभा की सीटें हैं। बैठक में क्या हुआ, इस बारे में शिवसेना नेता हेमंत गोदसे से बात की आज तक संवाददाता सौरभ अक्तानिया ने। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पर आज एक शिवसेना की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमारे साथ हेमंत गोडसे जी मौजूद है। सर, क्या कुछ खास आज इस मीटिंग में तय हुआ? आने वाले विधानसभा के जो चुनाव महाराष्ट्र के, वो अभी 3 महीने पे आए और उसका प्लानिंग जो प्री प्लानिंग होता है वो पूर्व तैयारी यहाँ से उसके लिए बैठक आयोजित की गई थी और उसी उसमें जो संगठन को लेके संगठन और मजबूत कैसे हो जाएगा तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन हुआ है कि जितने भी पद रिक्त है या जो लोगों को चेंजेस करने वो जल्द से जल्द जो अच्छे काम करने वाले पदाधिकारी होंगे उनको पद दिया जाए। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने कॉमन मैन के लिए जो काम किया है जैसे कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हो उसमें हर लड़की को 1500 रुपया वहाँ पे मिलेगा। यूथ जो है उनको स्टाइफंड मिलेगा अप्रेंटिसशिप के लिए 6000, 8000, 10000, 12000, 8000, 10000 और 12000। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर के लिए 7 HP का जो पंप है उसके लिए पूरा माफ़ किया गया है बिल और ऐसी बहुत सी यह है कि उसकी लाभार्थी जितने भी है उनकी सबकी एक लिस्ट बना के अगर हर कंस्टिट्यूएंसी में मुझे ऐसा लगता कि हजारों की संख्या में वहाँ पे लाभार्थी मिलेंगे और आने वाले इलेक्शन ये अगर लोगों तक हमने ये योजनाएं पहुँचाई तो निश्चित रूप से आने वाला इलेक्शन हमारे को अच्छा महायुति के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारा स्ट्राइक रेट जो 45% पहले था तो ये कम से कम 80-90% कैसे बढ़े उसके लिए ये प्लानिंग के लिए बैठक थी। अब 126 सीटों पर शिवसेना लड़ने का प्लान बना रही है, क्या है ये इसके लास्ट टाइम जो लड़ी थी तो उसी को टारगेट करके हम लोग करने वाले हैं और उसमें से जो भी तय होगा ये हमारे शिवसेना भाजपा और राष्ट्रवादी के जो भी नेता लोग हैं वो कन्फर्म करेंगे लेकिन उसमें हम लोग सिलेक्टिव सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स कैसे लेके आएंगे जो इलेक्टिव मेरिट की जिस जो सीट्स है और स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा उसके लिए ये प्री प्लानिंग किया। 26 ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेंगे? हाँ, 126 सब ऑब्जर्वर को भी नियुक्त किया गया, विधानसभा वाइज भी किया गया है, उसके बाद में प्रभारी भी दिए गए हैं ताकि वो भी उसके ऊपर मॉनिटरिंग करें। कितनी सीट जीतने की उम्मीद लगा रहे 288? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को जितनी भी सीट मिलेंगी उसमें 90% स्ट्राइक रेट हमारा रहेगा।